से अमर रहे अमर रहे महात्मा नाथुराम गौड़ से अमर रहे अमर रहे अखिल भारत हिंदू महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद कैमरा चल रहा है इन बोली चल रही है अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट और आज के अनकट से शुरुआत से पहले आपने देखा है एक तरफ फायर दूसरी तरफ फायरिंग इसका मतलब मैं आपको समझा देना चाहता हूं कल हैदराबाद के नामपल्ली के इलाके में मौजूद नुमाइश मैदान में जबरदस्त फायर एक्सीडेंट हुआ शॉर्ट सर्किट की वजह से जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 200 से 250 दुकानें जलकर झुलस गई शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ सिर्फ माली नुकसान हुआ रियासती हुकूमत के वजीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब इंस्पेक्शन के लिए अहदेदारों के साथ पहुंचे एग्जीबिशन ग्राउंड और उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगवान की कृपा से जानी नुकसान नहीं हुआ जी हाँ नाज़रीन अल्लाह का शुक्र है भगवान की कृपा है कि जानी नुकसान हुआ माली नुकसान को अहमियत नहीं रखता है और वो हुकूमत की जानिब से सोसाइटी की जानिब से दुकान जिसके जले हैं उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे लेकिन दूसरी तरफ आवाम का कहना है आवाम और दुकान वालों ने तो इल्ज़ाम लगाया है कि सोसाइटी की सरासर गलती है इतने बड़े नुमाइश में सिर्फ एक ही फायर इंजन उसमें भी पानी नहीं लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर रहे हैं नुमाइश सोसाइटी वाले दुकानों वालों से लेकिन फैसिलिटी जरा भी नहीं दे रहे आइए देखते हैं एक नजर కలిసి వాళ్ళని అక్కడ నుండి సేఫ్గా తీసుకువెళ్ళిపోయారు పక్కన ఇది టోటల్లీ సార్ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ వాళ్ళకి తప్పు అని నేను భావిస్తున్నాను ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఇంత పెద్ద ఆస్తి నష్టం జరిగేది కాదు నాకు తెలిసినంతవరకు దేశంలోనే ఇది పెద్ద ఆస్తి నష్టం అని నేను భావిస్తున్నాను ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు రియాక్ట్ కావాల్సి ఉంది ఒక ఫైర్ ఇంజన్ ఒకటే ఫైర్ ఇంత పెద్ద ఎగ్జిబిషన్లో ఒక ఫైర్ ఇంజన్ ఉంది సార్ ఒకటే ఫైర్ ఇంజన్ ఉంది సార్ సిస్టమ్ టోటల్లీ ఫెయిల్యూర్ ఆ ఫైర్ ఇంజన్ వాళ్ళు కూడా ఆపరేట్ చేయడం రావట్లేదు దాంట్లో నీళ్లు లేదని ఒకటి అంటున్నారు ఒకటి అన్ని సార్ దాదాపు 100 పైన స్టాల్స్ ఎన్ని స్టాల్స్లో ఆస్తి నష్టం జరగలేదు ఇంకా దాన్ని మేము చేయలేము చాలా చెప్తున్నారు 400 వరకు స్టాల్స్ ఉన్నాయి సార్ कि आप कोई किस्म की फिक्र मत कीजिए यकीनन हमें बहुत दुख है जिनका नुकसान हुआ है माली नुकसान हुआ है मगर माल से ज़्यादा जान की अहमियत होती है अल्लाह के फजल करम से ऊपर के भगवान की कृपा से किसी जानी नुकसान नहीं हुआ माली नुकसान का जो भी हुआ है यकीनन उसे कल पूरा सर्वे किया जाएगा और उन लोगों को मैं दिलासा दिलाता हूँ आप परेशान होने की बात नहीं इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से हो सके जरूर चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं फायरिंग की तरफ उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा की सदर शकुन पांडे ने कल जातीय पिता महात्मा गांधी के डेथ एनिवर्सरी के मौके पर नथुराम गोडसे की जय हिंद की और महात्मा गांधी का पुतला बनाते हुए उन पर आर्टिफिशियल गन से फायरिंग की और कहा कि नथुराम गोडसे महात्मा नथुराम गोडसे जिंदाबाद यह वीडियो काफी वायरल हुआ काफी खलबली मच गई हलचल मच गई या नाज़रीन आइए पहले नजर डालते मैं करूं महात्मा नाथुराम गोडसे महात्मा नाथुराम गोडसे हाँ भाई सब रेडी है नाथुराम गोडसे रेडी महात्मा नाथुराम गोडसे तीन मार्च है नालू नालू किस आकार मार्च लगा एक अभी रुक जाए कंपटर तो निकाल लेने पर नीचे जा रहे हैं ए नारे लगा नाथुराम गोडसे महात्मा नाथुराम गोडसे महात्मा नाथुराम गोडसे एमबीडी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने डबिलपुरा पुलिस स्टेशन में इस इंसिडेंट के खिलाफ एक शिकायत की और कहा कि हैदराबाद पुलिस शकुन पांडे को अरेस्ट करके एक मिसाल कायम करे देखते हैं एक नजर ये जो श्रीमती
शकुन पांडे हिंदू महासभा और इनके फॉलोअर्स आज जो हरकत किए इसके खिलाफ में हम डबिलपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे हैं और हमारा मुतालबा है कि हैदराबाद पुलिस विल टीच ए लेसन। कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरा मुतालबा है कि यहाँ की जो तेलंगाना टीआरएस सरकार है और जो यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरा मुतालबा है कि वी विल कीप वन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल बनेंगे, वी विल अरेस्ट दिस फेलो, मैडम को हम अरेस्ट करेंगे, इनके और इनके पूरे फॉलोअर्स को, और इन ये जो इश्तियालंगेजी फैला रही और ये वीडियो जो है सारा सोशल मीडिया पे फिर रहा है, मैं तमाम स्टेट देखा आपने। अब यहाँ पर आज के हमारे अंकट प्रोग्राम के जरिए हम आपको एक बात की याद दिला देना चाहते हैं। अगर फर्ज करिए हिंदू महासभा की जगह कोई मुस्लिम महासभा होती, कोई मुस्लिम तंजीम होती, अगर वो ये हरकत करती तो आज सारे हिंदुस्तान में बवाल मच जाता, कई मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता, पूरे हिंदुस्तान में धूम मच जाती। फैक्ट है या नहीं, सोचिए, गौर करिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।